उज्जैन में आरोपी बेखौफ हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कई बार गोलीबारी हो चुकी है। ताजा मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद के चलते दीपांशु नामक युवक को गोली मार दी। चिमनगंज में पुलिस कई बार आरोपियों का जुलूस निकाल चुकी है, लेकिन आरोपियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। उज्जैन के बापू नगर में दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। तीन बदमाशों ने पहले तीन युवकों के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद एक युवक पर गोली चला दी, जो उसके कंधे में जाके लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से एक युवक को इंदौर रेफर किया गया है कि मंडी पुलिस के अनुसार शाहरुख अंडा दिनेश की रितेश लॉडिंग से प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर रंजिश थी। बापूनगर में सोमवार शाम शाहरुख दिव्यांश महेंद्र का विवाद रितेश लोडिंग सोनू और संजू के साथ हो गया। रितेश के पक्ष के लोग ने तीनों को जमकर पीटा। इन्हीं में से एक ने कट्टे से फायर कर दिया। इसमें दिव्यांश के कंधे में गोली लग गई। इसके बाद लोग घायल दिव्यांश को अस्पताल लेकर पहुंचे। कुछ विवाद थे पुराने, तो इनको लगा कि मैं उसको छोड़ना आया हूं, तो उस चक्कर में इन्होंने मेरे को गोली मारी। संजू ने, रितेश लोडिंग ने, सोनू ने और इसकी वाइफ, संजू की वाइफ और इसकी माँ ने, और चार पांच जनों को मैं नहीं पहचानता। साथ में मारपीट करने वाले तीन चार लोग हैं। इनका कोई आपसी पुराने मामला है जिसमें राजनामे को लेकर इनके झगड़ा हुआ है, और आगे क्या है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जैसे आरोपी पकड़ाए जाते हैं विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त